गुड मॉर्निंग दोस्तों, पार्थ आचार्य व्लॉग में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए आप बनाते हैं आज एक नया व्लॉग, और नया व्लॉग इसीलिए होने वाला है क्योंकि मैं अपना जो दोस्त है मोहन, जो कालाझरिया में रहता है, आप लोगों को पता होगा, तो एक ब्लॉग में आप उनको देख भी चुके हैं, तो बस उसी का घर जाना है क्योंकि इन्वाइट करा है उन्होंने हम लोगों को, पूरा फैमिली को मेरा, पता नहीं कौन रीजन से इनसे जो है इन्वाइट करा है। अभी तो कुछ ओकेज़न भी नहीं है, तो ऐसे दोस्त है तो इन्वाइट करते ही रहते हैं, उसको भी हम लोग करते हैं, वो भी करता है मेरी फैमिली को, तो पूरा फैमिली को ले जाना तो संभव है नहीं। तो अभी जा रहे हैं फिलहाल दीदी, मैं, ब्यूटी और छोटी बहन का एक ननद आई हुई है मीनू, तो बस वो जा रहे हैं, और आप लोगों का पसंदीदा माही वो भी जा रही है, तो चलिए फटाफट से वहाँ पर निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग की क्या व्यवस्था किया है और किस लिए बुलाया गया है। तो चलिए डायरेक्ट मिलते हैं मोहन के घर में। बस उतर गए लालमोहन के घर के सामने, ये देख सकते सामने गेट, एक बड़ा सा गेट बनाया है क्योंकि उसका जो कार है वो अंदर जा सके। ये आ गया लालमोहन का घर, ये देख सकते लालमोहन और ये जीजा जी, बाकी सारा पलटन लोग कहाँ गया, ये देख सकते माही, दीदी लोग भी आ गई देख सकते हैं, और ये रहा कबूतर। अभी आ गया हम लोग का शाही नाश्ता, जस्ट घर घुसते घुसते ये तुरंत रेडी था, आपको लगता है पहले से ही जानकारी था, नेट उठ से पता क्या होगा कि हम लोग आ रहे हैं। माने कि तुरंत बाद ही लालमोहन लेके आया मार्केट तरफ हम लोगों को, क्योंकि मीट भी ले जाना है, सबका यही रिक्वायरमेंट है, तो मछली नहीं जाएंगे मीट। चलिए बढ़िया बात है। ये रहा कबूतर जो जनरली गांव देहात में ही देखने को मिलता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है, मेरे घर में भी था, अभी तो नहीं है, पहले था। ये और सामने, अरे यार उड़ गया, ये बहुत ही प्यारी है। खान पान का ही व्यवस्था करा है, देखिए प्याज अभी काट रहा है मीट के लिए, माही को देख सकते हैं। अभी फिलहाल गाड़ी के अंदर हम थोड़ा बैठे हैं और देखते हैं कितना लेट ही लोग करता है, क्योंकि दुकान छोड़ के आना पड़ा, दुकान में शायद आपू भी नहीं है, उनका भी उसका भी कुछ काम हो सकता है। कितना दूर हुआ रे? अभी काला जरिया तक है, पहुंचा नहीं है। देखिए ये है लालमोहन का फोटो शादी वाला, अभी इसको देख के ही लग रहा है कि शादी करने में एकदम इच्छा नहीं है। आटा चक्की, अभी आटा चक्की का नया मशीन लगाया है लालमोहन, अगर सामने वाला एरिया में कोई यहाँ पर आटा पिसाना चाहते तो आराम से आके भेंट मुलाकात कर सकते हैं। ब्रांड हो गया सर, इक्कीस हजार पाँच सौ रुपया इसका दाम लिया गया था, बिल्कुल नया ट्रेंड है देख सकते हैं। बेटा नहीं जबा कब, ठीक है जा रहे हैं लालमोहन की बगीचा की तरफ, और बहुत बड़ा ही बागान टाइप का कुछ लगाया है देख सकते हैं मेरे पीछे, छोटा मोटा तो है नहीं, और काफ़ी सारा ज़मीन इधर का है, और सामने ही रेलवे लाइन एक क्रॉस किया है, तो इसलिए उधर जाना तो खतरा है, तो चलिए थोड़ा सामने ही घूम के आते हैं, दिखाते हैं। कुछ खास लगाया नहीं, लेकिन एरिया बहुत बड़ा सा है एक्चुअली, अभी इसको लगाने का जो है फुर्सत नहीं होता है, पहले तो होता था क्योंकि पहले वो घर में ही रहता था, और अभी बैंक का मैनेजर बन गया है इसलिए टाइम नहीं मिलता है उसको। देख सकते पीछे धान का पिटाई चल रहा है, तो धान झड़ना जिसको कहते हैं हम लोग। चलिए ब्यूटी को यहाँ पर एक झूला भी मिल गया टेम्पररी। एक हैंड पंप भी है जो कुआ के साथ सेट किया हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी नया नया यूनिक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो जनरली शहर में नहीं मिलता है, और माही को देख सकते हैं। खाना रेडी है हम लोग के लिए, अभी खाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद रुक के निकल जाएंगे, फिर तो शाम हो ही जाएगा। यह है चावल, पत्ता गोभी का एक सब्जी और मीट जो सबसे फेमस है इधर का। अभी मोहन के घर से निकल चुके हैं, करमटर में रुके हैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए लोग, मतलब फास्ट फूड वगैरह ये सब। अभी ये माही मोहन के गोद में, यह ब्यूटी
ये लोग फास्ट फूड खाने में माहिर है। जीजा जी, दीदी लोग और ये मीनू। अभी मोहन का गाड़ी मैं चला रहा हूँ और देखते हैं कितना टाइम लगता है सीखने में। हालांकि इसके पहले भी मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ, लेकिन बहुत दिन से आउट ऑफ टच हो गया था, इसलिए पता नहीं अभी कैसे होगा। तो फिलहाल देखते हैं, आज से ट्राई करूँगा। और चैनल में यदि नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक का ऑप्शन नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से मेरा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए लाइक करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है parthacharya7, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ भी दिख रहा होगा। आप इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कीजिए और हमसे बात कीजिए, ताकि कनेक्टिविटी जो है बना रहे, और एक दूसरे से हम लोग कोई अलग नहीं है और सब साथ में ही, इसलिए इंस्टाग्राम में हमसे चैट कीजिए, वहाँ भी आपको बहुत सारा फोटोग्राफ्स या फिर मेरा एक्टिविटी देखने को मिल जाएगा।